सबको केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में सबको फिर से सुस्वागतम। आशा है आप लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं लेक्चर, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, होमवर्क्स भी कर रहे हैं, डाउट्स भी पूछते रहिए, पूरा यूटिलाइज कीजिए। अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप देख रहे हैं कि ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल फार्मूलाज है और बट क्वेश्चन कभी कभी डिफ़िकल्ट आता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डील किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखा था, आज हम लोग देखेंगे उसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में कर देना चाहिए था मुझे, हम लोग ने एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे। जैसे जीरो ऑर्डर में भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखाया था जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। ऐसे जनरली हम लोग रिएक्शन देख के किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते, पहले ही मैंने बोला, बट कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो चीज़ हम अपने को याद रखना है कि कौन से रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। जैसे फर्स्ट इज ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ऑल द रेडियो एक्टिव डीके विल फॉलो। तो जहाँ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा हम लोग रेडियो एक्टिव विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन भी क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। नाउ ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ दिस साइक्लो प्रोपेन टू प्रोपीन, दिस विल अगेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज साइक्लो प्रोपीन। नाउ फोर्थ, एक रिएक्शन है काफ़ी टाइम पूछा जाता है, दिस अगेन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सो ये सब कुछ रिएक्शंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो जैसे अब एक बोला गया कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन है उसमें बोला गया कि पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है रिएक्शन में, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है वो सी नॉट लिया उन्होंने, टी इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया है, सी नॉट। सी नॉट कॉन्सेंट्रेशन लिया टी इक्वल्स टू जीरो पे, और उन्होंने बोला कि इफ इफ इन T25 मतलब 25% कन्वर्जन में है, 25% ऑफ रिएक्टेंट विल डीकम्पोज, और डीकम्पोज देन पूछा गया है कि आफ्टर देन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, जब T N25 हो जाएगा तो आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए कितना होगा। एक तो है कि आप कैलकुलेट कीजिए सब, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखिए।
टी इक्वल्स टू जीरो पे कितना है सी नॉट। नेक्स्ट फर्स्ट जो आएगा फर्स्ट टी 25 रहेगा, पहला टी 25 होगा पहला मान लीजिए, सो टी 25 फर्स्ट हो जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा ये, इसका 25% कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3/4 सी नॉट, और फिर इसका 25% कन्वर्ट और फिर से टी 25 में कितना हो जाएगा, इसका फिर से 25 मतलब 3/4 इंटू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 सी नॉट इंटू 3/4, और उसी तरह से ऐसे। तो एन अगर है तो कितना हो जाएगा ये वैल्यूज़, एन तो 3/4 टू इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 सी नॉट ऐसे एन टाइम्स तक जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 3/4 एन सी नॉट, दिस इज द आंसर। ओके, मतलब पहला में 3/4 फिर उसका 3/4 उसका 3/4 ऐसे कन्वर्ट होते गया। नाउ एक और क्वेश्चन है, आप फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लीजिएगा, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है बट फिर भी पूछ लीजिएगा आप मेरे से। एक और है कि दो रिएक्शन दे रखा है, ए टू बी एक रिएक्शन दे रखा है और दूसरा रिएक्शन दे रखा है बी से पी, ये दो रिएक्शन दे रखा है और उन्होंने बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ 4 times द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसका अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो इन्होंने बोला है कि इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल इज 4 times ऑफ इनिशियल कॉन, मैंने ए का 4 times होगा, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इज 4 times इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका टी हाफ जो है ए का टी हाफ है वो 15 मिनट है और इसका टी हाफ जो है 5 मिनट है। ओके, एक क्वेश्चन है कि ए का टी हाफ 15 मिनट है, ए का टी हाफ 15 मिनट है और बी का टी हाफ कितना है, तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द टाइम एट व्हिच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब टाइम क्या होगा, व्हाट इज द टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये पूछा गया है किस टाइम के बाद ए का और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। तो अगेन करने का तरीका है कि आप इक्वेशन लिखिए, दोनों को सेम टाइम मानिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, ये सब एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस, देखिए काफ़ी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे कि कितने टाइम के बाद बी और ए सेम हो जाएगा, तो देखिए ये जो ए है 15 मिनट्स में ए नॉट बाई टू हो जाएगा और ये अगर करेंगे पहला टी हाफ के बाद अगर बी है, फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना आएगा बी जो है, बी है फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना आएगा 2a0। अगेन देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, दिस इज फर्स्ट टी हाफ, अगर जिनको भी दिक्कत है मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैसे बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास उतना ये करने का। फिर टी हाफ फिर से टी हाफ होगा तो कितना हो जाएगा ये, इसका हाफ हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 मिनट लगा यहाँ पे भी 5 मिनट लगा और फिर से ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए नॉट बाई टू, मतलब फिर से ये 5 मिनट, मतलब ये 15 मिनट में ए नॉट बाई टू हो गया है और अपने को पता है कि 15 मिनट में भी ए कितना हो जाता है ए नॉट बाई टू हो जाएगा बिकॉज उसका टी हाफ कितना है, और ए जो है फर्स्ट टी हाफ डैट इज 15 मिनट में कितना हो जाता है ए नॉट अपॉन टू, मतलब ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब आपका आंसर क्या हो गया 15 मिनट्स। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, मैंने लिखा इसलिए इतना टाइम, अगर नहीं डायरेक्ट अगर करता तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं लगता इस केस में और हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, ये मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन
ओके फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन ये इक्वेशन दे रखा है, O3 से 3O2 कन्वर्ट हो रहा है। फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन एज्यूम दैट द डिकम्प, तो ये उन्होंने बोला है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के इंटू O3 टू द पावर 2, ये मतलब क्वेश्चन है। ओके ये है पहला पार्ट है क्वेश्चन का। नाउ सेकेंड पार्ट में बोला है कि इफ कन्वर्जन इज रिटन एज कन्वर्जन, अब थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है, कन्वर्जन को क्या माना उन्होंने, O3 3/2 O2, ओके इस फॉर्म में उन्होंने रिएक्शन को चेंज कर दिया। और मान लीजिए इसका उन्होंने इसको कंसिडर किया है, ये जो है इसका रेट कॉन्स्टेंट के है, इफ द कन्वर्जन रेट एज, इफ रेट कॉन्स्टेंट इज के डैश, रेट कॉन्स्टेंट इज के डैश, तो दो आपको करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला गया है कि राइट रेट लॉ फॉर सेकेंड रिएक्शन, पहला ये है। दूसरा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बिटवीन के एंड के डैश, के एंड के डैश में रिलेशन क्या है, ये आपको निकालना है। ये चीज़ अब यहाँ पे बोला गया है कि दो अलग अलग दे रखा है, इसके लिए आपको निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो क्या दोनों के या उनके सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, देखते हैं, विल कैलकुलेट। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रिएक्शन मतलब दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 DO3 अपॉन DT इक्वल्स टू के O3 टू, ये फर्स्ट है। उसी तरह से अगर मैं सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रिएक्शन के लिए आ जाएगा, बिकॉज सेकेंड रिएक्शन का O3 का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूँगा डी ऑफ O3 अपॉन DT इक्वल्स टू के डैश O3, बिकॉज ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए इसको, तो अब इसका क्या मतलब है, दोनों जगह DO3 DT सेम है, इसका क्या मतलब है, A2K विल बी इक्वल्स टू के डैश, तो ये आ गया। रेट लॉ भी लिख सकते हैं हम लोग, रेट लॉ वहाँ पे लिख देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रिएक्शन को चेंज करते हो तो के भी चेंज हो जाएगा, अगर आप रिएक्शन को चेंज करते हो तो के भी चेंज हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इफ़ यू चेंज द रिएक्शन के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, आपको करके लाना है। उन्होंने एक रिएक्शन लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस
क्या लिखा है, N2O5 इज कन्वर्टिंग टू 2NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये दे रखा है। और उन्होंने बोला है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, और इस रिएक्शन का टी हाफ जो है, टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 5.71 आवर, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज द रेट कॉन्स्टेंट, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है कि इसका के की वैल्यू क्या होगी, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि के की वैल्यू क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है कि इफ डिकम्पोजिशन, इफ डिकम्पोजिशन इज रिटेन एज, डिकम्पोजिशन थोड़ा सा चेंज कर रहा है, 2N2O5 टू गिव 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये लिखा गया। व्हाट इज द, तो इस केस में K1 मान लीजिए कि यहाँ पे K1 है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो K2 इस रिएक्शन का K2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द रेट कॉन्फिडेंस फॉर द रिएक्शन रिटेन इन दिस वे, ओके ये चीज़ निकालना है। ओके तो आप सब लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके मुझे बोलिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सबसे पहले सोचिए है क्या ये दोनों का के सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो आप कैसे निकालेंगे देखिएगा। ओके ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, हाँ सॉल्व करने के लिए हिंट यही है, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सॉल्व हो जाएगा। ओके ना एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर पे ही है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस, ऐसा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड फिल्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उन्होंने ये बोला है कि थिकनेस एंड के में रिलेशन निकालिए, कि थिकनेस और के में आप रिलेशन निकालिए। ये थोड़ा हटके है, अगेन नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जेई एडवांस या जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा वो चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मेटल दे रखा है, तो मेटल सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड। ओके सो ये टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर मान लीजिए ये इसका ए थिकनेस है, तो ये ऑक्सीजन तो ये सब नहीं है, उसके बाद टी इक्वल्स टू टी मतलब कोई एक टाइम लिया, तो इसका कितना एक्स कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स कहाँ पे जाएगा, इधर आ जाएगा। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या बचेगा, ये तो बनेगा कुछ भी नहीं, और पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या लिख लोगे आप, ये लिख लोगे। ओके तो नाउ अब मैं एक बोला थिकनेस, एक बोला कि ये जो है दिस इज थिकनेस, थिकनेस एट टाइम टी, और एक और मैं बोल रहा हूँ एक और टर्म टी मैक्स, जो अपने को चाहिए टी मैक्स इज थिकनेस एट टी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे टी मैक्स थिकनेस है। और तो एक चीज़ आप देखोगे कि जो टी होगा, टी मतलब थिकनेस, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
वैसे वैसे थिकनेस बढ़ते जाएगा तो मैं बोल सकता दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यू कैन से एक्स थिकनेस जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना कंज्यूम होगा उतना बढ़ते जाएगा। उसी तरह से मैं टी टाइम है, अब उसी तरह से टी मैक्स मतलब मैक्सिमम इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इन्फिनिटी टाइम पे कितना आया वैल्यू ए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकता हूँ मैं नाउ। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या आता है, के इक्वल्स टू, अगर ऊपर वाले के लिए अगर लिखना हो मुझे तो क्या लिखूँगा मैं कि वन अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इनिशियल अपॉन फाइनल। तो ये अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, के वन अपॉन टी टाइम एल एन, ए किसके प्रोपोर्शनल है जो मैक्सिमम थिकनेस, तो इसको क्या लिखोगे टी मैक्स, और ए कितना आ जाएगा टी मैक्स प्रोपोर्शनल है और रेशियो ले रहे हैं इसलिए हम लोग दोनों लिख सक इक्वल्स टू लिख सकते हैं, बिकॉज जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो कट जाएगा। सो दिस इज, तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद नहीं रखना नहीं इक्वेशन याद रखना, सिर्फ ये ध्यान कैसे कैलकुलेट कर रहे, कैसे हम लोग रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैलकुलेट करते, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। एक और क्वेश्चन जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर अपने को दिया हुआ है एक रिएक्शन दे रखा है 3A से पी कन्वर्ट हो रहा है, और आपको बोला गया कि इस रिएक्शन का के रेट कांस्टेंट के है, रेट कांस्टेंट के है, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, और बोला गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ओके तो अब आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते टी हाफ विल बी 0.693 अपॉन के, बिकॉज आप देखिए कोएफिशिएंट चेंज है, तो डायरेक्ट लिखने तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा बिकॉज के जगह पे बिकॉज कोएफिशिएंट ये 3 है, तो ये क्या आ जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 3 के बिकॉज 3 है। बट इसको कैसे निकालेंगे देखिए कैसे निकालते हम लोग, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा -1/3 डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए होगा, तो इसको थोड़ा तो अच्छे से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू -3 के ए। ओके और फिर ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू -3 के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो सिर्फ उस वैल्यू में चेंज आएगा, क्या हो जाएगा -3 के डी टी। और फाइनली यहाँ पे अगर लिखना होगा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप क्या कैसे लिखोगे ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस, कुछ स्टेप्स मैंने मिस किए आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये आएगा वैल्यू। और फाइनली बिकॉज ये 3 के, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी यू कैन से 0.693 अपॉन 3 के, दैट्स ऑल। ओके सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कहीं भी आपको अगर देखा है टी हाफ निकालना हो कुछ निकालना हो तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन को अगर रिएक्शन चेंज किया गया है कि ये इतना है वो इतना है फिर कैलकुलेट कीजिए तो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत सिंपल टेक्निक से, सिर्फ आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है और निकल जाएगा। ओके सो आज के लिए इतना ही, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल डील विथ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और फिर आगे देखेंगे nth ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, और विल कंप्लीट दिस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थैंक यू।